एक समय की बात है कि हनुमान जो थे पार्वती तपस्या कर रहे थे शिव को पाने के लिए, परंतु शिव जो हैं कर रहे थे, परंतु उसके पिता जो हैं नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु के साथ विवाह करने को कह दिया, उन्हें वचन दे डाला जी। और उसके बाद पार्वती ने सुन ली, क्योंकि उसके पिता जो थे जाकर के हनुमान जाकर कहने लगे कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे तुम्हारा विवाह जो है मैं भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। तब पार्वती जो थी अपने सखियों के साथ वे एक भयानक वन में पहुंची और वहीं जाकर के वह तपस्या करने लगी। और तपस्या करते समय बाली की प्रतिमा बना करके उनका पूजन करने लगी। और जब भाद्रपद मास शुरू हुआ तभी से उनकी बालू की प्रतिमा बनाकर नित्य प्रतिरोज तपस्या करती थी। और जब हस्त शुक्ल पक्ष आया, जो हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि आई, तो उसमें इस व्रत को किया, रात भर जागरण करके तब उनका गीत आदि करके नाना प्रकार के उपहारों को भेंट देकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बिताया। उस व्रत के करने से पूजन करने से शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान शिव जो थे उनके पार्वती के निकट पहुँचे और कहा कि हे देवी तुम क्या बोलो, क्या चाहते। उसने कहा कि पार्वती ने कहा कि मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। एवं मस्त कह करके भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर चले आए। अब पर्वत पर चले आए अब आकर के रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वह उसके पिता खोजते हुए वहाँ पहुँचे। पिता को उसको देख करके, पार्वती को देख करके छाती से लगा करके बिलख करके रोते हुए कहने लगे कि तुम इधर क्यों। तो उस तो पार्वती ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आपने बहुत पहले मैंने अपने को बहुत पहले शिव जी के हाथों सौंप दिया था, परंतु आपने मेरी बात को टाल दी थी, इसीलिए मैं इधर चली आई। तब हनुमान ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। और शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसी से शुभ दिन शुभ नक्षत्र में भगवान शिव तुम्हारा विवाह मेरा विवाह कर दिया। और इस व्रत का हरतालिका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सखियां हर करके वन में ले गई थी, इसी दिन इसका नाम हरतालिका पड़ा। इसीलिए स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है तो वह इस व्रत को करे, पूजन करे, रात भर जागरण करे, सोए न, रात भर जागरण करता रहे और सुबह प्रातः होने पर बांस के पात्र में अन्न भर करके ब्राह्मणों को दान देकर तब पारण करे। इसी तरह इसका महत्व है। बाबा का नाम पंडित त्रिलोकीनाथ तिवारी।